माई डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू से रियली सॉरी टू ऑल माई सब्सक्राइबर. एक्चुअली आई डिडंट पोस्ट एनी वीडियो फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक आई वॉज नॉट एट द वन प्लेस. आई वॉज जस्ट मूविंग हेयर एंड देयर. सम ऑफ द टाइम आई वॉज इन यूपी एट माई होम एंड सम ऑफ द टाइम आई वॉज इन डेली. सो बिकॉज ऑफ दीज इशूज आई डिडंट गेट द टाइम टू पोस्ट द वीडियोज. बट बिफोर सम डेज आई वॉज जस्ट चेकिंग द स्टेटस ऑफ माई चैनल. आई गो टू रियलाइज दैट देर वर लॉट्स ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स हु वर जस्ट कमेंटिंग मी, मैम प्लीज कीप कंटिन्यू दिस channel and where's the second part of your video regarding the video they were asking the question. So I got realized that I should keep continue this chapter and this channel actually. So there were subscriber that who were requesting me, ma'am, where's the second part of this video. So because of that I got lots of motivation. I'm really really thankful to all of my subscribers and I just want to say really big thanks to me and please try to and keep continue the same thing. Please like, share and subscribe this channel if you like the videos. So this is the video regarding this is the video all about the BA program second year chapter number 2, the learning can be fun. Actually when I post the first video, in that video I told about the first chapter and us chapter mein I just try to elaborate the chapter like a story, and now I'm just going to tell you about the second chapter as the first. Like ye bhi main aapko ek story ki tarah hi batane wali hu. Agar aapko koi query hai regarding the chapter then you can ask me directly, jaise aapne comment karke abhi mujhe bola hai. So this is the first request actually I got from that BA program second year that video I have posted before. So I'm going to complete this request and I'll try to complete all your requests as you have posted to my videos and all. So now I'm going to start this chapter and I must say ki main ye chapter aapko hindi mein samjhaungi. The reason behind it that कि इंग्लिश में चैप्टर समझाने से क्या होगा कि सभी लोग मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जिन्हें स्टोरीज जो है हिंदी में सुनना ज्यादा पसंद होता है. जस्ट वॉन्ट कि सबको समझ में आए. बिकॉज ऑफ दैट अगर आप इंग्लिश में इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम प्लीज टेल मी द हाउ वी कैन राइट द राइट समरी एंड हाउ इवन इफ यू वॉन्ट दैट कि मैं इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं और आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मुझे पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मैं आपकी वो रिक्वेस्ट भी कंप्लीट करूंगी एज सून एज पॉसिबल. या एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर्स ये SOL जैसे कि सिंपल सी बात है जब क्या होता है ना कि हम जब ट्वेल्थ करके ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं ना तो हमें ये फीलिंग होने लगती है कि यार अब ग्रेजुएशन आ गया, अब बहुत टफ हो गया, हमें सिलेबस नहीं समझ में आता, चैप्टर्स की स्टोरीज नहीं समझ में आती, लैंग्वेज बहुत टफ लगने लगती है. तो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि लैंग्वेज टफ होने से फर्क नहीं पड़ता. इफ यू आर गेटिंग द स्टोरी एग्जैक्टली देन यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर ओन वर्ड्स. SOL आपको बिल्कुल भी नहीं कहता कि बुक से लेकर आप जाइए और जस्ट उसे आपको कॉपी करना है. यू नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन एट ऑल, नॉट एट ऑल. देयर इज नो इवन दिस टाइप ऑफ कंपल्सन इज देयर. तो आपको क्या ऐसा नहीं करना है, जस्ट नीड टू नो दैट वॉट इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. यू कैन इवन कन्वर्ट ऑल द दैट समरी इन योर ओन वर्ड्स और उसके बाद आप उसे आंसर्स दे सकते हैं. Right, I will even try to tell you all the questions, important question, but in the next video because ये chapter थोड़ा सा बड़ा है. So without wasting time, let's get started with the chapter, right? So इस chapter में क्या होता है, the learning can be fun. जैसे कि आप chapter के नाम से समझ सकते हैं, पढ़ाई को एक फन की तरीके से भी किया जा सकता है. लर्निंग मतलब सीखा, हमें हम कोई भी चीज सीखते कब ज्यादा अच्छे से है, जब हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, राइट? तो दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट. मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर फ्री राइटिंग था, सेकंड चैप्टर द लर्निंग कैन बी फन, और एक और दो चैप्टर्स आएंगे जो कोरिलेट करेंगे बिल्कुल इससे. चारों मिलकर एक्जैक्टली एक चैप्टर ही है, बट इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट? वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगी. तो लर्निंग कैन बी फन, इसमें क्या बताया गया है, क्या होता है, एक बार जंगल का राजा शेर जो होता है वो ये सोचता है कि भाई मैं अपने जो जंगल है इसे और ऑर्गेनाइज करूं, मतलब यहाँ पे और जो एक्सक्लूसिव रूल्स होने चाहिए या मतलब कुछ ना कुछ डिसिसिव होना चाहिए औरों से अलग. तो वो क्या करता है कि पढ़ाई करके डिग्रीज लेकर जंगल लौटता है, और लौटने के बाद वो सोचता है कि मुझे एक स्कूल खोलना चाहिए, वो यहां पर यहां के लोगों को भी स्टडी की वैल्यू यानी कि पढ़ाई की वैल्यू को पता होना चाहिए. तो वो स्कूल खोलता है और उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रखता है जैसे घूमना, सॉरी उड़ना, तैरना, कूदना, समथिंग लाइक दैट. दे जस्ट ही जस्ट स्टार्टेड टू टेल ऑल द एनिमल्स कि भाई आपको क्या करना है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके सब, आपको अपने सभी बच्चों को स्कूल में एनरोल कराना होगा और इन सभी सब्जेक्ट्स में पास भी होना होगा. अगर कोई बच्चा नहीं पास हो पाया तो मैं उसे खा जाऊंगा,
He just said like that. अब उसके बाद सारे एनिमल्स रह जाते हैं, बच्चों को उसी दिन से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, घूमने की सॉरी तैरने की प्रैक्टिस, या फिर कहते हैं जंपिंग की प्रैक्टिस, या फिर उसमें हो गया आपका रनिंग की प्रैक्टिस, इवन फ्लाइंग की प्रैक्टिस, मतलब सारी चीजें वो कराने स्टार्ट कर देते हैं. अब क्या होता है, एग्जाम का दिन आता है, सारे एनिमल्स बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट एग्जाम हो गया, खत्म हो गई. अब रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट जब आता है तो क्या होता है, सारे एनिमल्स फेल हो जाते हैं. अब जब फेल हो जाते हैं तो शेर को बहुत गुस्सा आता है, वो पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और बोलता है कि भाई आप सबको आना है. अब जब आते हैं तो वो मछली से पूछता है कि भाई, मछली की माँ से पूछता है कि भाई आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन वो तैरने में कैसे फेल हो सकता है, ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप बचपन से करते हैं. इसी तरीके से वो चील से पूछता है कि आपकी जो बच्चा है वो उड़ने में कैसे फेल हो सकता है. इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस वो करता है. अब क्या होता है, वो सब जवाब देते हैं कि भाई ऐसा है कि बाकी सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से हम ये जो सब्जेक्ट है हमारा मेन सब्जेक्ट है उसे भूल गए. द कॉन्क्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या होता है कि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इस वजह से हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, राइट. लेकिन इस स्टोरी के अंदर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स को, जो सब्जेक्ट्स इन्होंने इस तरीके से एक सीरियस मैटर उनको दे दिया कि आपको सीरियसली सब कुछ करना है, अगर इन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से ना बोलकर उन्हें खिला, जैसे अगर किसी को जंपिंग सिखानी है तो उसको इंटरेस्टिंग गेम के थ्रू, यानी कि किसी भी तरीके से इस तरीके से उसे कन्वर्ट करके कि उस बंदे को जो भी वो चीज सीख रहा है उसे वो मजेदार लगे, ऐसे सिखाया जाता तो ये बहुत आसान हो जाता. और आसान होने के साथ साथ क्या हो जाता कि इसे याद रखा जा सकता था और इसमें काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे. आजकल क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं पढ़ाई और गेम बहुत डिफरेंट समझते हैं दोनों चीजों को. जब आपको गेम्स खेलना होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, औरों के साथ भी होता है, जब हमें गेम्स खेलना होता है हम कितना भी टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि पबजी या फोन गेम्स, कोई भी मोबाइल गेम्स हो गया, कोई एंड्रॉयड गेम्स हो गया, या कोई आउटडोर गेम्स हो गया, या इंडोर गेम्स भी हो गए, वी कैन स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन दैट. क्यों? क्योंकि वो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, हमें लगता है कि यार इट इज अ फन लाइक. बट हम कह दें कि आपको भाई 4 घंटे पढ़ना है तो दिस विल बी लाइक ओ माई गॉड पढ़ना है, मतलब इट्स विल बिकम वेरी वेरी बोरिंग, राइट. तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज पढ़ाई एक ऐसे सीरियस वो बना दी गई है पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, कि पढ़ना है, पढ़ना इज लाइक इट इज अ वेरी नेसेसरी, यू नो, आपकी लाइफ में ये अनअवॉइडेबल चीज नहीं है, यू कांट अवॉइड इट, आपको इसे करना ही होगा, अच्छे मार्क्स स्कोर करने भी होंगे. वो जो प्रेशर है ना जो बच्चों के ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पढ़ाई को एक सीरियस मैटर समझ के उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते, वो सोचते हैं कि पढ़ाई से बेटर होगा, इसलिए उनका जो इंटरेस्ट है वो कभी आ ही नहीं पाता है. दिस इज द रीजन. तो यहां पर जो राइटर है वो ये बोलना चाहते हैं कि भाई पढ़ाई को इस तरीके से ना पढ़ाकर बच्चों में इंटरेस्ट जनरेट कराया जाए. वो इंटरेस्ट जनरेट कैसे कराया जा सकता है? इंटरेस्ट जनरेट ऐसे कराया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हम, अब एक टीचर को सारी नॉलेज नहीं हो सकती ऑब्वियसली, जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को अगर उन्हें खेती के बारे में समझाना है, राइट, उन्हें फार्मिंग के बारे में समझाना है, देयर इज अ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन इन योर ऑल इन यू मस्ट हैव रीड, सबने पढ़ा होगा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, 10th तक में ही आ जाता है वो, 6th-8th स्टैंडर्ड में आया, हाउ दिस वाज अ चैप्टर. तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन होगा, कहने का मतलब है दिस इज अ चैप्टर, इफ यू आर गोइंग टू टेल एनीथिंग अबाउट द चैप्टर, तो आपको उन बच्चों को घुमाने ले जाना चाहिए किसी जगह पर, राइट. तो उन बच्चों को जब आप घुमाने ले जाएंगे किसी भी जगह पर, राइट, घुमाने ले जाएंगे मतलब खेती से रिलेटेड, जो किसानों के पास ले जाना चाहिए, दे कैन टेल दैट थिंग्स, प्रैक्टिकली कहने का मतलब है कि अगर प्रैक्टिकली बच्चा जाकर उस चीज को अपनी आंखों से देखेगा तो ही कैन गेट मोर अंडरस्टैंडेबल, राइट, देन कि वो बुक से पढ़ के रीड करे. काफी सारे बच्चों को वो इक्विपमेंट्स भी कभी समझ में नहीं आ पाते जो कि वो दिए हुए होते हैं, राइट. दिस इज द रीजन एक्चुअली. तो ये इस तरीके से जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई को केवल किताबों में ही नहीं, किताबों से बाहर की दुनिया में भी ले जाके टीचर्स को पढ़ाना चाहिए. अगर उन्हें किसी ऐसी चीज के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में बताना है, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ले जाकर उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिससे उन्हें ये चीज इंटरेस्टिंग लगे, उनका इंटरेस्ट आए, उन्हें फन जैसी लगे, उन्हें ऐसा ना लगे कि बुकिश लैंग्वेज को वी नीड टू जस्ट क्रैम ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स एक्चुअली. तो ये नहीं होना चाहिए. दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट एक्चुअली. अब मैं एक चीज बता दूं आपको, इसमें काफी सारी ऐसी सोचे होंगी कि हमें लिखना क्या होगा, जैसे कि इसमें अमेरिकन सिस्टम के बारे में भी बात की गई है कि जो आजकल क्या होता है इंडिया में
कि हम बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने की वजह से हम जो होता है अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कभी समझ ही नहीं पाते, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है. दिस इज अ चैप्टर इज टेलिंग एक्चुअली, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, बट ये चैप्टर ये कहना चाहता है कि भाई बच्चे समझ नहीं पाते कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. सारे चैप्टर्स होने की वजह से जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कहीं खो जाता है, बट अमेरिकन सिस्टम में ऐसा नहीं है. वहां पर जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना, जो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन कीप कंटिन्यू विद दैट सब्जेक्ट, और उसे ही आपको पढ़ना है तो दे विल बिकम जीनियस ऑब्वियसली. बट मैं आपको बता दूं, हम उनसे ज्यादा समझदार होते हैं क्योंकि उनपे बाकी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज बहुत ना के बराबर होती है, बट हम टिल द 12th वी रीड लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हमेशा हम पढ़ते रहते हैं. आप ग्रेजुएशन भी करोगे तो आपको बहुत सारे अनदर सब्जेक्ट्स विद योर मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सो दैट यू विल गेट मोर नॉलेजेबल देन उनसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी. सो दिस इज द थिंग एक्चुअली, दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट. तो यहां पे कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि वो ये कहना चाहता है राइटर कि पढ़ाई जो होती है उसे फन की तरह पढ़ना चाहिए ताकि स्टूडेंट मोर अंडरस्टैंडेबल हो सके, मोर नॉलेजेबल बन सके. और दूसरा, सब सारे सब्जेक्ट्स को जैसे सपोज हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ले जाकर पढ़ाओ, कुछ और पढ़ रहे हो तो इससे जाकर पढ़ाओ, सो दैट अ स्टूडेंट कैन गेट अंडरस्टैंड वेरी इजिली. तो ये था चैप्टर की समरी, ये चैप्टर के बारे में, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है. हाँ, एक और चीज, इससे इंपॉर्टेंट काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. इफ यू जस्ट वांट कि मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊं और उनके आंसर लिखने भी बताऊं, किस तरीके से आप बहुत कम मतलब अच्छे से मतलब लिख सकते हैं, बहुत कम लिखकर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा. डू नॉट वांट कि आपका इंटरेस्ट खो जाए. एज आई वाज सेइंग कि अगर आप कंटिन्यू कोई चीज मतलब बोर हो जाते हैं ना, आप एक ही चीज कंटिन्यू करते रहते हो, तो दिस इज द सेम थिंग आई एम जस्ट वांट टू से. सो आपको भी वही करना है कि आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी क्वेरी है कि क्वेश्चंस भी बताइए मैम, हाउ टू राइट देम वो भी बताइए मैम, तो आप मुझे बताइए. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके, आई होप आपको ये सब चैप्टर समझ में आ गया. अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट चैप्टर भी मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इसकी वीडियो पोस्ट करने की. अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स. एक्चुअली सी गाइस, एक और चीज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम तो हो नहीं रहे बट ऑनलाइन एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, इफ यू नो आज नहीं तो कल एग्जाम्स होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम में हमें तो ये लगता है कि देयर इज नथिंग टू डू. ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आसानी से असेसमेंट है, ओपन बुक असेसमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपको बताऊंगी कि नॉलेज जो होती है ना, ये समय जो आप नॉलेज लेने का होता है ना, वो पूरा साल वो चला जाएगा. हालांकि एग्जाम्स में आप पास हो जाओगे, लेकिन जो चीज आप आज पढ़ सकते हो ना, वो आपको वापस समय नहीं मिलेगा पढ़ने का. तो आई मस्ट से कि आपको पता होना चाहिए चैप्टर्स में एग्जैक्टली किया क्या है. कुछ ना कुछ पढ़ने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मी, सो यू शुड कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. तो ठीक है, आपको पढ़ना है, समझना है. अगर कोई कुछ भी ऐसा लगता है कि दिस इज डिफिकल्ट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कॉन्टिन्यू वीडियोज बनाऊं आप लोगों के लिए और आपकी सारी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करूं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Tata, bye bye. Till then, take care of yourself.